एक अभी हम नेक्स्ट लेक्चर है हमारा टॉपिक इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपको मैं थॉरली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देंगे, और उसके बाद में आपने इनको थ्योरेटिकली भी देखना है, ठीक है। अगर आप कुछ समझना है मुझसे पूछ लें, और वेरी एसेंशियल एमसीक्यूज हैं, आपके हर टेस्ट में ये सवाल आते हैं, और काफ़ी कंपिलेशन में भी टाइम लगा है इसको, जो ना आपने कंपाइल किया है। वो इनिशिएटेड द कल्ट ऑफ शिवाजी अगेंस्ट द मुस्लिम इंडिया, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। हु नेगोशिएटेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। अबू अला मौदूदी वाज अवार्डेड द डेथ पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट ऑन कादियन इशू मई 1953 में। 17th अमेंडमेंट मजलिस शुरा में तब कब दी गई थी, दिसंबर 2003 में। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर 2001 में दिया गया, 14 अगस्त 2001 में। ज़रब अज़ब शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक को कहते हैं ज़रब अज़ब। हम सर्न एक था हमारा मुआहदा, सर्न मेंबर फ्रॉम एशिया, 19 दिसंबर 2014 में पाकिस्तान बना है, जर्मनी की तंजीम है जिसे पाकिस्तान सर्न ने बनाया, रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है। एशियन पाकिस्तानी मुल्क जो हिस्सा बना है 9 दिसंबर 2014 में। द नेम ऑफ द फोर्थ कलिमा, कलिमा का तौहीद, कराकरम हाईवे इज आल्सो कॉल्ड N35। सुप्तगीन 977 में तुर्किश स्लेव थे, और फ्यूचर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी द फेडरल टू बी जॉइंड बाय द प्रोविंस द इंडियन स्टेट्स। फर्स्ट राउंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में किया गया था। फर्स्ट इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द बेस्ट ऑफ द जनरल एडल्ट, लखनऊ पैक्ट में एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इलेक्शन होंगे। अबाउट द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी बिजी सम अनयूजुअल अपीयरेंस इन सेंट्रल एशिया लेट लूज द सीरीज ऑफ द ब्लड सेल्स। मैंने कहा गया कि सर कौन से हमारे जो ये आए थे तो हमले किए गए थे, तो बैक्टेरियंस ने किए थे, ठीक है, इस टाइम में बीसी में। आर्य समाज 1875 में, सैयद अमर अली ने रिज़ाइन किया था मुस्लिम लीग से, द पार्टी नो क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने 13 में रिज़ाइन किया था सैयद अमर अली ने। प्रोडा जो था 14 जनवरी 1949 में दिया गया था, लियाकत अली साहब ने किया था, जो सियासी लोग थे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा था, तो उनको ख़त्म करना है। अयूब खोरो पहले शिकार बने इसका, और 24 अक्टूबर 1956 में इसको ख़त्म किया गया था। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड थ्रू द 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 54 को अमेंड किया गया था। बाबर का मकबरा काबुल में है। उसके बाद कायदे जब सोलर पार्क जो है चाइना की मदद से बना है बावलपुर में, ये इसको इनग्रेट किया गया है। और मेडल्स पाकिस्तान इन द इस्लामी सोलिटी गेम्स 2017 में 12 मिले हैं। शाह वली अल्लाह का नाम कुतुबुद्दीन अमन फारूकी है। स्टैनली वॉलपर ने कहा कायदेजम के बारे में, ये कोटेशन आप पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉ रेजोल्यूशन जो है वो मद्रास में लॉ रेजोल्यूशन को अमेंड किया गया था, मुस्लिम लीग के रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। लॉ रेजोल्यूशन 1940 में हुआ, और 41 में मद्रास में जो इजलास हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया था। लॉ रेजोल्यूशन वाज अमीडिएट एंड पाकिस्तान वेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लीग ऑब्जेक्टिव। द अमेंडमेंट वाज मतलब पाकिस्तान के जो रेजोल्यूशन लॉ रेजोल्यूशन पर इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान जो उसी को बनाया गया था, मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव को बनाया था लॉ रेजोल्यूशन को देख के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पाकिस्तान में जो पानी की इरीगेशन होती है वो पेरिनियल कैनाल के थ्रू होती है। कायदे आज़म ने 600 सोल्जर्स दिए थे इंडोनेशिया की हेल्प के लिए। मोतसिब आला PCO प्रेजिडेंट आर्डर 1983 के तहत बना। नाम जो है 1988 में डिस्कस कश्मीर के इशू को उन्होंने डिस्कस किया था नैम ने। उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट वाज फाउंडेड बाय लानाबदीस। किस्सा सोहनी मायवाल फजल शाह ने लिखा। An agreement for cooperation was signed during the Turkish President Kiyu Izrao and Pakistan. Recently development ने किया ये। उसके बाद में सिविल पावर्स आर्म फोर्सेज की ताकत होती है आर्टिकल 45 में होती है। इंडिया ने रिकगनाइज किया बांग्लादेश को 1971 में। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जनरल टेन्योर, किसका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, सिकंदर मिर्ज़ा ने शॉर्टेस्ट टेन्योर है। और मेन डिफिकल्टी कौन सी थी पाकिस्तान की जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 90 रूल गवर्नर रूल इम्पोज हुआ था, 236 आर्टिकल के तहत गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था। एक स्टेटमेंट लक्ष्मी पंडित ने दी, ये आप पढ़ लें, अगर 100 गांधी हों 200 अब्दुल कलाम आज़ाद हों एक जना जिसे नहीं बन सकते। फर्स्ट रेलवे लाइन कराची टू कोटड़ी है। फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था थर्कोल अथॉरिटी को, उन्होंने इनोग्रेट किया था, पावर दिया था 2008 में। द बुक इंडियन मुस्लिम सरसद अहमद खान ने पब्लिश किया 1878 में, जो लिखी गई थी सरसद अहमद खान को रिव्यू किया था, मगर ये लिखी गई है विलियम वॉल्सन हंटर ने लिखी थी। स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल में थी। फर्स्ट पेपर
قائد اعظم نے پہلا جو نیوز پیپر لکھا تھا ڈان نیوز پیپر لکھا تھا نیما باؤ بازاؤ پروجیکٹ، نیما باؤ بازاؤ پروجیکٹ انڈس ویئر پر ہے اور یہ جو ہے ہمارا انڈین ڈیل کشمیر پہ ہے اور یہ پروجیکٹ کو ہمارے انڈس ویئر کو لانچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع آیا ہے۔ اس کے بعد میں غلام عیسیٰ خان نے کیا کیا تھا، وچ پرسن ریمین چیئرمین وابڈا، چیئرمین سندھ، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پریزیڈنٹ پاکستان۔ اچھا، وابڈا کے بھی چیئرمین رہے، سندھ کے بھی چیئرمین رہے، تو غلام عیسیٰ خان صاحب رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، وہ چیف آف اسٹاف ڈائیڈ، جو کون سے چیف آف اسٹاف نے 9 دن کے بعد میں بیچارے چیف جسٹس، ان کا نام جسٹس شہاب الدین صاحب۔ دیش از دا فرسٹ وائف آف قائد اعظم، امی بائی دا فرسٹ وائف آف قائد اعظم، قائد اعظم فرسٹ وائف ڈائیڈ 1893، مدر ٹنگ آف قائد اعظم واز گجراتی، وین بلوچستان اسٹیٹ بکیم دا پارٹ آف ویسٹ پاکستان، 14 اکتوبر 1955 ہوئے، مدر آف دینا وادیا، رتنی بھائی مدر آف دینا وادیا ہے جو ہے ہماری۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، سوات ہندوکش ماؤنٹین میں ہے، پان اسلام موزم کس نے کیا، سر سید احمد خان نے کیا۔ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے تحت پاکستان کا ایوریج جو ڈیتھ ریٹ ہے، جو مر جاتا ہے بندہ، اس کا کیا ہے، 66.4 ہے۔ سی ایم آف بلوچستان جو ہے وہ ذوالفقار مقصی، جن نے شارٹیسٹ ٹائم حکومت کی۔ نیم دا پاورفل کنٹری وچ آفرڈ ہیلپ پاکستان آرمی فار سرنڈنگ ٹو ڈھاکہ، یونائٹیڈ نیشنز، فیض مول ہمارا خیرپور میں ہے۔ تھینکس فار